Welcome again to Channel Labs Engineering Academy. Now we are going to solve the sixth question. ये है type 2 के question. Type 2 के question कैसे identify करना है? Whenever you have e raised to term, exponential term अगर रह गए, then that will be your type number 2. Okay. So find Fourier integral transform representation of e raised to minus mod of x. Yes. Again. What is not given कि भाई साइन से करना है या कोसाइन से करना है, सॉलिड इज नॉट गिवन. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन क्या है? लेट f ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू माइनस मॉड ऑफ x. आर यू गेटिंग? e रेज टू माइनस मॉड ऑफ x है स्टूडेंट्स ये. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉड ऑफ x इज एन इवन फंक्शन. सो इवन फंक्शन के लिए हमें कोसाइन यूज करना पड़ेगा. सो आई विल राइट डाउन हियर स्टेप नंबर 2. सो स्टेप नंबर 2 विल बी व्हाट स्टूडेंट? स्टेप नंबर 2 विल बी टू यूज व्हाट? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. सो आई विल राइट डाउन यूजिंग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे. सो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज fc ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स? 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ u इंटू कॉस लैम्डा u इंटू डी यू. cos lambda u into what students? into du है. perfect. so ये formula है. so we will write down the step number 3. अभी step नंबर 3 start करते हैं. what is step नंबर 3? step नंबर 3 में f of u सिर्फ आपको substitute करना है e raise to minus x से. so again I will write down here fc of lambda equals to find. ओके ग्रेट. 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स दिया है क्या? लिमिट्स दिया है? नो. सो 0 टू इन्फिनिटी ही रहने दो. सो व्हाट f ऑफ u you will put f of u as e raised to minus u. u क्यू? आई हैव टोल्ड यू x को किससे रिप्लेस करो? x को u से ही रिप्लेस करो. ठीक है, e raised to minus u है स्टूडेंट्स इंटू कॉस लैम्डा u इंटू व्हाट स्टूडेंट्स? इंटू डी यू. so this is the equation. यह है equation fc of lambda equals to this whole thing. now take a deep breath and सोचो. this formula we had seen somewhere. we had seen such formula here. okay, so this equation is similar to which formula? formula कौन सा है बोलिए? integration of e raised to ax cos bx equals to क्या था फॉर्मूला? e raised to ax अपॉन. ओके, ax अपॉन क्या लिखोगे आप? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट व्हाट आई टोल्ड यू. अगर cos रहा तो cos लिखो सबसे पहले. तो सबसे पहले लिखो cos bx. cos है इसलिए प्लस, cos के बाद क्या आता है? साइन. सो साइन bx लिख लो. फर्स्ट a उसके बाद b है. सो a से मल्टीप्लाई करो, इसको b से मल्टीप्लाई करो. ये हो गया आपका फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न स्टूडेंट्स. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा और लर्निंग के लिए ट्रिक भी बताया है मैंने that it is easy to learn. now next step will be what students? the next step will be to just compare. क्या करना पड़ेगा आपको? compare करना पड़ेगा. ठीक है भाई, ठीक है, compare कर ले. तो e raised to ax, a की वैल्यू क्या है? -1. आर यू सीइंग दिस? a की वैल्यू है -1. perfect. so I will write down a value as -1. चलो ठीक है, देखो भाई a की वैल्यू है -1. x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है u. a cos bx x की वैल्यू u है. सो b की वैल्यू क्या हो गई? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b विल बी लैम्डा. कंपेयर करो, कंपेयर. इफ यू कैन डू द कंपेयर, टाइप 2 इज वेरी सिंपल टू सॉल्व. और हाथ के मार्क्स है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो आई विल राइट डाउन व्हाट हियर? आई विल राइट डाउन a इक्वल्स टू, आई विल राइट डाउन a इक्वल्स टू -1. b इक्वल्स टू लैम्डा और x मतलब क्या, x रहेगा आपका u, x रहेगा u। परफेक्ट। सो एफ सी ऑफ लैम्डा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो गया, देखिए 0 टू इन्फिनिटी का ये तो फॉर्मूला है, बट आपको जो यूज करना है वो यूज ये करना है e raised to ax। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? e raised to ax, ओके। a की वैल्यू क्या है, -1, सो माइनस, और x की वैल्यू क्या है, u। e raised to -u अपॉन a square, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? -1 का स्क्वायर 1 रहता है। b का स्क्वायर, b इज नथिंग बट लैम्डा, देखो भाई b लैम्डा है, ओके। इन ब्रैकेट a, व्हाट इज a, -1 माइनस कॉस, b का वैल्यू लैम्डा है, x का वैल्यू u है, देखो b का वैल्यू लैम्डा है, x का वैल्यू u है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो, प्लस b, व्हाट इज b हियर, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है लैम्डा, इनटू साइन एज इट इज लिखो, अगेन b है, b का वैल्यू लैम्डा और x का वैल्यू है u। परफेक्ट। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो ये 0 टू इन्फिनिटी हो गया, ए का वैल्यू -1 हुआ, बी का वैल्यू लैम्डा हो गया और एक्स का वैल्यू हो गया यू, एक्स का वैल्यू हो गया यू। सो आई विल राइट डाउन हियर एफ सी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो, बट किधर आप लिमिट पुट करोगे, कहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो व्हाट आई टोल्ड यू, डी यू डेरिवेटिव किसका है, विथ रिस्पेक्ट टू यू का है, विथ रिस्पेक्ट टू यू का डेरिवेटिव है। सो जिधर भी यू रहेगा वहां पर इन्फिनिटी पुट करो, जहां पर भी यू है वहां पर 0 पुट करो। परफेक्ट। सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करते, अपर लिमिट ई रेस टू -इन्फिनिटी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा ऐसे के वैसे ही रहेगा, माइनस कॉस लैम्डा यू, यू का मतलब हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट कीजिए प्लस लैम्डा इंटू साइन लैम्डा इन्फिनिटी पुट कीजिए, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस क्या करोगे, माइनस लोअर लिमिट, सो ई रेस टू माइनस यू के जगह पर 0 पुट कीजिए, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, आर यू गेटिंग दिस, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर है, माइनस कॉस लैम्डा इंटू 0 प्लस लैम्डा इंटू साइन लैम्डा इंटू 0। ये हो गया आपका अपर लिमिट एंड दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट, दिस विल बी आवर लोअर लिमिट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। परफेक्ट। सो आई विल राइट हियर एफ सी ऑफ लैम्डा एनीथिंग रेस टू इन्फिनिटी क्या हुआ, ई रेस टू -इन्फिनिटी 0 हुआ। याद रखो लेक्चर 1 में मैंने बताया था दैट ई रेस टू -इन्फिनिटी विल बी व्हाट, 0। अगर ये 0 हुआ तो टोटल अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट भी क्या होगा, अपर लिमिट भी 0 ही होगा। सो आई विल राइट हियर 0। परफेक्ट। आई विल राइट हियर 0, ओके। ई रेस टू -0, एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट गाइस, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 प्लस, ठीक है भाई, लैम्डा स्क्वायर पहले लिख लेता। परफेक्ट। लैम्डा इंटू 0 हो गया 0, कॉस 0 क्या है 1, कॉस 0 क्या है स्टूडेंट्स 1 है, बट यहाँ पर माइनस है, सो -1 आई विल राइट, प्लस लैम्डा इंटू 0 साइन 0, ये भी लोअर जो लिमिट है, ये जो लिमिट है वो भी 0 हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, वी आर लेफ्ट विथ एफ सी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, सो आर आंसर इज 1 अपॉन lambda square plus 1. This is the answer of e raised to minus mod of x. e raised to minus mod of x का ये आंसर हो गया, e raised to minus mod of x का ये आंसर हो गया। You understanding this students? Are you understanding? Perfect. ठीक है, okay. So ये again I will minimize it. If you want to take a screenshot, you can take it. दो मिनट रुकिए। परफेक्ट, चलो निकाल लो भाई स्क्रीनशॉट। Now we will move on to the next question. This question was also asked for SPPU. Find Fourier cosine transform of e raised to -2x minus e raised to -3x. ठीक है, take a deep breath. सोचो भाई कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ई रेज टू अगर रहा, एक्सपोनेंशियल रहा तो वो टाइप 2 हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो वी विल अगेन राइट हियर आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलिए लिख लेते हैं। सो आई विल राइट हियर, अरे भाई क्या हो गया ये, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टेप नंबर 1। ओके, सो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? जो इजी स्टेप है, सबका जो फेवरेट स्टेप है, राइट डाउन द इक्वेशन एज इट इज। क्या बात है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस 2x माइनस ई रेज टू माइनस 3x, ई रेज टू माइनस 3x। ओके, स्टेप नंबर 2। अभी साइन है क्या कोसाइन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ गिवन। वो गिवन है, कोसाइन फाइंड करना है। ओके, सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर दी कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन वाला जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं भाई। क्या है फॉर्मूला? एफ सी ऑफ लैम्डा, fc of lambda equals to 0 to infinity f of x into cos lambda u into du। क्या बात है। ओके, परफेक्ट, लैम्डा यू। ओके, अभी f of x की वैल्यू ये है ना। सो स्टेप नंबर 3 लिख लो भाई, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ओके, राइट डाउन दिस इक्वेशन। सो एफ सी ऑफ लैम्डा, एफ सी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी क्या है? ई रेज टू माइनस 2x। x नहीं लिखोगे, u लिखोगे। ई रेज टू माइनस 2u लिखो, माइनस ई रेज टू माइनस 3u। ये हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस लैम्डा यू इंटू डी यू। ब्रैकेट दो, अभी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो। सो एफ सी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू, हर एक का अलग इंटीग्रेशन दो, 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस 2u इंटू कॉस लैम्डा यू डी यू, माइनस हर एक को अलग इंटीग्रेशन दो, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस 3u इंटू कॉस लैम्डा यू डी यू। क्या बात है। ओके, सेपरेटली क्या करो? सेपरेटली सॉल्व करो, सेपरेटली सॉल्व करो। बट कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है बताइए? What was the formula? Formula was e raised to ax. Are you understanding? Formula था e raised to ax into cos bx dx, ठीक है। उसका formula था e raised to ax upon क्या था? अभी just we had studied a square plus b square था। okay, and then cos रहेगा तो पहले cos लिखो, cos है तो addition, cos के बाद sin, sin bx। we are left with a, here we are left with what dear students? b। क्या बात है। अभी सबसे पहले तो क्या करिए? सबसे पहले we have to use formula for this LHS term, sorry जो RHS में है but left side में है, that I am telling, ये term। उसके बाद आपको ये term separately use करना पड़ेगा। मतलब formula कितने बार use करना पड़ेगा students? 2 times you have to use. How many times you have to use? You have to use here 2 times. ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 1 यहाँ पर लिखता हूं मैं, पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता मैं पार्ट 1 और सिर्फ फॉर्मूला में डालता हूं पार्ट 1। ये हो गया मेरा पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए a की वैल्यू क्या है बताइए? a की वैल्यू है माइनस 2। देखो भाई e रेज टू ए एक्स, ए की वैल्यू है माइनस 2। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है u, x की वैल्यू है u, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है लैम्डा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बात है। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 कंपेरिजन करो। e रेज टू माइनस 3, सो a का वैल्यू क्या हुआ? माइनस 3। x का वैल्यू क्या हुआ? u, और b का वैल्यू क्या हो गया? लैम्डा। परफेक्ट। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये पुट करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेपरेटली पुट करो। So we'll write down fc of lambda equals to, ये equation लिख लो भाई, ये equation लिख लो, e raise to a minus 2, x का वैल्यू u है, जहां पर a है वो minus 2, x रहेगा u, b रहेगा lambda, done and dusted. a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस b मतलब लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर, क्या बात है, a इज व्हाट माइनस 2 cos b, b क्या है लैम्डा इंटू x, प्लस प्लस b, b क्या है लैम्डा, लैम्डा इंटू साइन ऑफ bx, b क्या है b लैम्डा है बट x क्या है u है. ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर से माइनस. चलो भाई अच्छे से लिख लेते हैं, कोई गल नहीं. सो माइनस, ठीक है. अभी e रेस टू a का वैल्यू देखो भाई, a का वैल्यू है -3. सो राइट डाउन, इधर इंटीग्रेशन तो लिखो, लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी. सो e रेस टू ax, a की वैल्यू है -3, x है u अपॉन a स्क्वायर, a की वैल्यू है -3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर क्यों लिख रहा है सर, अरे यार क्या तकलीफ है. ओके, 3 -3 का स्क्वायर 9 है और b का स्क्वायर लैम्डा है, सो लैम्डा स्क्वायर लिख लीजिए. a की वैल्यू है -3, सो -3 कॉस b क्या है लैम्डा, x क्या है u, प्लस प्लस b साइन bx, b क्या है लैम्डा साइन लैम्डा u. परफेक्ट. इसका भी क्या है 0 टू इंफिनिटी. देखो देखो अभी क्या करना है, एफ सी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट अभी मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था. सो जहां पर u है वहां पर इंफिनिटी डालो. सो ये e रेस टू -इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब अपर लिमिट भी डाले आपने फर्स्ट टर्म के लिए तो वो क्या हो गया 0 ही हो गया. ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है लोअर लिमिट डालते हैं. लोअर लिमिट क्या है e रेस टू 0 पुट करो, सो 1 अपॉन क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 एंड यस हियर विल बी व्हाट माइनस x लैम्डा के जगह पे, लैम्डा के जगह पे. ओके, सो यहाँ पर x कैसा लिख दिया मैंने, वाह 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 सर क्या बात है सर, मत करो सर, लैम्डा इंटू यू. ठीक है, हाँ. सो ये जो है u, ओके यहाँ पर मैं वैल्यू 0 का पुट करूंगा, cos इंफिनिटी हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा. सो यहाँ पर रहेगा -2. आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या रहेगा -2 रहेगा और ये 0 पुट करो, यहाँ पर क्या पुट करो 0. तो ये पूरा 0 हो गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा 0 हो गया. सो ये अपर लिमिट और ये हो गया लोअर लिमिट, कौन से टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए पार्ट 1 के लिए स्टूडेंट्स. अपर लिमिट उसके बाद क्या है माइनस, चलो ठीक है. फिर से अभी इसको भी रिप्लेस करो, u के जगह पर क्या पुट करो इंफिनिटी, e रेस टू -इंफिनिटी 0. ठीक है, अपर लिमिट देखने की भी जरूरत नहीं है, माइनस आ गया है 0 आ गया है, क्या बात है सर. लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट किधर है, यस e रेस टू 0. सो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा. सो 1 अपॉन 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 1 अपॉन 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लिखो या 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर लिखो, दैट विल बी सेम स्टूडेंट्स. परफेक्ट. सो ये हो गया 1 अपॉन 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर. आगे बढ़ो भाई, लोअर लिमिट 0 पुट करो. सो ये लैम्डा इंटू 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, 1 इंटू -3 क्या रहेगा -3 रहेगा, -3 रहेगा, क्या बात है. और u के जगह पर 0 पुट करो, लैम्डा इंटू 0 साइन 0 होल टर्म 0, कुछ टेंशन लेने की बात ही नहीं. देन वी आर लेफ्ट विथ एफ सी ऑफ लैम्डा. समझ रहे आपको, u के जगह पर एक बार पहले बार इंफिनिटी पुट करो फिर 0 पुट करो. जब भी आप इंफिनिटी पुट करोगे हर एक का अपर लिमिट क्या आएगा, अपर लिमिट कौन सा भी टर्म लो आप वो 0 ही आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम 0 इटसेल्फ गाइस. सो अभी माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 2 अपॉन 2 upon 4 plus lambda square, 2 upon 4 plus lambda square, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, माइनस 3 upon 9 plus lambda square, this is the answer. ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर. I hope that you are understanding it very properly. So ये है FC of lambda का आंसर 2 upon 4 plus lambda square minus 3 upon 9 plus lambda square. Okay, so the answer of this question is this one. Okay, so I hope you are understanding it very properly. ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फूरियर कोसेंट ट्रांसफॉर्म. भाई लगभग सेम ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम ही है. आई वांट इन कमेंट सेक्शन इसका आंसर क्या है, आंसर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इट, कमेंट करो, then I will tell you the answer in the comment section. Okay, so I hope that आपको ये टाइप 2 भी समझ गया रहेगा, ये टाइप 2 भी समझ गया रहेगा. Okay, so it was nice teaching you guys, thank you so much.